देश में लाउड स्पीकर पर बवाल है, हंगामा है और बहस भी है। लाउड स्पीकर पर योगी मॉडल हिट भी है। यूपी में मंदिर और मस्जिद दोनों से ही लाउड स्पीकर उतारे गए। आवाज तय मानक के अनुसार कम की गई, लेकिन कांग्रेस शासित राजस्थान की राजधानी जयपुर में कुछ और ही है, जहां लाउड स्पीकर ना उतरे ना कम हुए बल्कि बढ़ा दिए गए। जी हां, तस्वीर राजधानी जयपुर की है, जहां बड़ी चौपड़ जोहरी बाजार के हर खंभों पर एक नहीं बल्कि दो दो लाउड स्पीकर लगाए गए। कुल 15 खंभों पर 30 लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। ऐसे में कई अन्य जगहों पर मिलाकर कुल 100 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगाए गए। जुम्मे की नमाज के लिए खंभों पर ये लाउड स्पीकर लगे तो एक तरफ ध्वनि प्रदूषण को लेकर सवाल उठने लगे। लेकिन जयपुर की तस्वीरें कुछ और है, जहां जयपुर में लाउड स्पीकर लगाने के बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। और सवाल यह है कि तय नियमों को जयपुर नहीं मानेगा। जयपुर में जामा मस्जिद में आज अलविदा की नमाज होनी है और इसी के लिए जोहरी बाजार, बड़ी चौपड़, रामगंज इलाके में एक पोल पर दो दो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। ये समझ आता है कि राजस्थान सरकार क्या संदेश देना चाहती है। वैसे लाउड स्पीकर पर बहस है और इस बहस के बीच राजधानी जयपुर की सड़कें चर्चा बटोर रही है, क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर बहस चल रही है। यूपी में लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं लेकिन राजस्थान को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे में जयपुर की सड़कों पर जब लाउड स्पीकर भरे तो सवाल उठने लगे और तेजी से खबर भी चलने लगी कि लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण पर राजस्थान सरकार आखिर मौन क्यों है। लेकिन जयपुर की सड़कों पर लगे लाउड स्पीकर की खबर जैसे ही फैली, ये खबर सुर्खियां बन गई।